सरपंच ने सरपंच ने बहुत काम करा रखे तुम्हारे ग्रामी का गांव कापड़ों के पवित्र पावन धरती पर आज इस जनसभा में आप सबका आशीर्वाद समर्थन सहयोग और आपका सबसे बहुमूल्य धन आपका वोट वह अपने झोली फैला करके मांगने के लिए आए नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद लेकर के कमल के फूल का निशान लेकर के मोदी होनहार कर्मठ मेहनती योग्य क्षमतावान प्रतिभावान उम्मीदवार भाई ब्रजेंद्र सिंह जी और मेरे साथ आए हुए पार्टी के समस्त वरिष्ठ नेतागण पदाधिकारीगण जिला परिषद ब्लॉक समिति पंचायत के सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण उपस्थित सरपंच साहब पूर्व सरपंच साहबान सम्मानित छत्तीस बिरादरी के मेरे पितातुल्य बुजुर्गों पूजा के योग्य मात्र शक्ति नौजवान साथियों और इस देश का भविष्य प्यारे बच्चों सबसे पहले तो मैं अपने गांव की पवित्र पावन भूमि गांव के दादा खेड़े और सभी बड़े बुजुर्गों और माताओं के चरणों में हाथ जोड़ के नमस्कार प्रणाम भेंट करता हूँ। और आप सबकी इतनी बड़ी संख्या में इस भरी दोपहरी में हाजिरी आपका जोश आपका उमंग आपका उत्साह ये स्पष्ट संकेत दे रहा है कि आप सब ने फैसला कर लिया है कि 12 मई को इस बार जब जनता का त्यौहार ये वोट का दिन जिस दिन जनता मालिक बन करके अपने हाथ से अपना वोट का बटन दबा करके अपनी और अपने हिंदुस्तान की किस्मत का फैसला करने वाली है आपने सोच लिया है मन में धार लिया है कि भारत माता का वो सामान्य गांव गरीब पिछड़े परिवार में जन्म लेने वाला देश का प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे जनप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। भाई ब्रजेंद्र सिंह जी नरेंद्र मोदी जी का संकेत और संदेश लेकर के आपके दरबार में आए हैं। मैं तो केवल इतनी विनती प्रार्थना आपसे करता हूँ कि मेरी कापड़ों की 36 बिरादरी की सरदारी आप जब 12 तारीख को वोट दें मैं भी आपसे झोली फैला करके अपील करता हूँ दरखास्त देता हूँ आप सब एक एक वोट भाई ब्रजेंद्र सिंह जी को कमल के फूल के निशान पर देने की कृपा करें और नरेंद्र मोदी जी का आपको महसूस करें। तुलना करके देख लेना के प्रधानमंत्री पद में नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले में चाहे राहुल गांधी हो चाहे किसी भी पार्टी का कोई नेता हो क्या मोदी जी के मुकाबले में इस देश के गरीब किसान मजदूर दलित पीड़ित शोषित वंचित पिछड़े वर्ग के दर्द को कोई और जान सकता है कोई और समझ सकता है? क्या राहुल गांधी जी गांव की माता का दर्द समझ सकते हैं जो मोदी जी ने समझा क्योंकि उनकी माँ ने चूल्हे के धुएं में रोटी पो करके खाना बना करके मोदी जी को खिलाई थी तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन करके हिंदुस्तान के 13 करोड़ घरों में गैस का कनेक्शन पहुंचा दिया ताकि किसी माँ को धुएं के अंदर चूल्हे के ऊपर रोटी बनाने के लिए मजबूर ना हो। 70 साल में कांग्रेस ने वो काम नहीं किया। हिंदुस्तान के गरीब परिवार में कोई बीमार हो जाता एक आदमी परिवार में कोई लाइलाज बीमारी हो जाए